हाय गाइस, आभार चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। जब व्रत होता है तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है और इच्छा भी होती है कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हमें एनर्जी आ जाए। तो ऐसी ही रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत इजीली बन जाएगा और इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए इसे हमने कैसे बनाया है। इसके लिए हम फ्राई पैन लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें मखाना और मूंगफली डालकर रोस्ट कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं। ये रोस्ट हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब 1 बाउल दही लेंगे, फिर इसमें 1/4 टीस्पून सेंधा नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये रोस्ट किया हुआ मखाना और मूँगफली डालेंगे। अब इसमें हम ये फल डाल देंगे, हमारे पास सेब और नाशपाती है। आप चाहें तो दोनों डाल सकते हैं या आपके पास जो फल हो आप उसे डाल सकते हैं। हम इसमें आधा सेब डालेंगे, इसे हमने इतने बड़े पार्ट में कट कर लिया है। अब इसे भी इसमें डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे छोटा नहीं काटना है, इतना ही बड़ा काटना है, क्योंकि जब इसे खाते हैं तो खाने में अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, व्रत में खाने के लिए हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है। आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी होता है, और आपने देखा ही ये कितनी इजीली बन जाता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें पूरा विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।